मेरे ठीक पीछे भिवंडी शहर का आगरा रोड है और आगरा रोड पर भिवंडी शहर के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, कोर्ट, प्रांत ऑफिस, पुलिस कंट्रोल रूम, क्राइम ब्रांच, इस तरह के सारे ठिकाने यहीं पर हैं, इसलिए धरने मोर्चे भी यहीं होते हैं। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है NRC और कैब को लेकर। हालांकि कैब जो है CAB, मतलब ये बिल था, अब वो CAA हो गया, यानी अब एक्ट हो गया, तो इसलिए CAA, NRC और CAA, तो इसको लेकर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। और आज भिवंडी शहर में, आज 20 दिसंबर 2019 है और शुक्रवार का दिन है, और आज के दिन जुमा की नमाज़ के बाद भिवंडी शहर, ऐसा लगता है कि आधा शहर यहाँ उतरकर मैदान में आ गया है। यहाँ सभी है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, और एक बड़े पैमाने पर ऐसी उम्मीद की जा रही कि करीब 1 लाख पब्लिक यहाँ मौजूद है और NRC और कैब का विरोध कर रही है, मोदी सरकार का विरोध कर रही है। तो जनता मोदी सरकार से ये पूछना भी चाहती है कि पेट की रोटी का क्या हुआ जो आपने वादा किया था, मतलब आपने जो नौकरी के लिए जो वादा किया था नौजवानों को नौकरी देने के लिए, तो उसका क्या हुआ? आप अलग अलग रोज एक नए नए कानून ला रहे हो, मगर इस तरह से जनता को बार बार जब रोड पर लाया जाएगा, देश में जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके छात्रों को जब इस तरह से रोड पर लाया जाएगा, तो देश का क्या होगा, उसका अंजाम आपने सोचा? मैं खान फ़ख्र आलम।